आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और आपके फ़ोन में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके फ़ोन में ऐप डाउनलोड करने पर कुछ इस तरीके से पेंडिंग आ रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम एरर शो होती है, तो इसे ठीक करने के लिए प्ले स्टोर से बाहर आइए। उसके बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। हमारे फ़ोन में जैसे कि मैनेज ऐप्स आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आइए। नीचे आने पर आएगा कुछ इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा पेज आएगा या फिर यहाँ पे आने का दूसरा तरीका है, प्ले स्टोर के आइकन पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करिए। उसके बाद ऐप इन्फो आएगा, तो ऐप इन्फो पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, फोर्स स्टॉप करिए। उसके बाद ओके करिए। अब ऊपर स्टोरेज आएगा या फिर स्टोरेज यूसेज आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। नीचे आएगा क्लियर डेटा, इस पर क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए। उसके बाद ओके करिए। तो ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कोई ऐप डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये करने के बाद बैक आ जाइए और बैक आने के बाद अब अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए और ये सारी सेटिंग्स अब अप्लाई करने के बाद चेक करिए आपके फ़ोन में ऐप डाउनलोड या फिर इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करेंगे और अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके चेक कर रहे हैं। तो जैसे कि ये हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया और अब देख सकते हैं हमारे फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।